पिता ने कियो मेरे रचो दूसरो प्याओ न गोनो पहली कोलियो कजोला समझ गयो मन में मालिम मोकू पड़ी नाते तारी पिंगोल में तमे तमे है कोनो ले लूं धन अरी मारू को ब्याता मेरी तड़पे अर पिंगुल किनार दरम्यान आए रही मारू की रे बाहे बड़ी चालाक ये बोतल प्यावे दारू की मेरी तड़पे अरे बिहाता सुनो बात देसी अरी पिंगोल में गोने की में काठी अरे ले लूरी जोर बाय और ये बिजपाल के पुत्र अनुज कृपाल के पुत्र अनुज ये 10 रुपए दे रहे हैं मेरे लिए पारी उमर की कुमर कन्हैया मुख पे बह रही रे दूध की धार और ये संजू कल्याणपुर के रहने वाले ये 10 रुपए दे रहे हैं मेरे लिए भाई साहब को धन्यवाद ढोला मन सोचे रे पछताए पोचो ढोलायो न घोड़सार नुमी और फिरी घोड़ा सिरे बतलाए कौन सो बलवान तुम्हें घोड़सार नुमी मेरा भैया मेरो गोनो अरे दे करवाए अरे वाह दे पिंगुल सी घोड़ा नीचे कून नवाए गए नारे नाम सुनो जब दे पिंगुल को अरे वो तो सभी करी इनकार तहजे में आयो करहा भक भूरी को कोई त्यारो गोनो दे करवाए कोई नाए पोचे बालो दे पिंगुल में मेरे भैया ढोला को तैया बताए अरे बा घोड़सार नुमी सोचने लगा मेरा गोना करहा करवा सकता है जो घूरों पे लोट लगा रहा है उसी करहा के पास पहुंच गया ढोला और कहने लगा करहा भैया राम राम आज भैया बताऊं कि राम राम होगी जा छप्पर में धरता सू कर रहेगी अरे कैसी बात कर रहे हो कोई मतलब है तासे राम राम है अरे नहीं का काम है कैसे आए हो इधर आओ किनके बादू ताल घो कुरूरी करहा किनके बादू अरे बजनी चंद भैया किनके बादू बजली
चंगे कौन सो तुम्हें बल बान है रे पिंगुल को चलेगो, अरे मेरे संग पिंगुल को चलेगो। हाँ भैया बताइए। मैं न जाऊंगा भैया, देख और पिंगुल में है का बात समो ले जाएगो मां। आज ही पता पड़ा है कि हमारी ब्याहता जो बचपन में शादी हुई डलवी डलवाओं में, मारू मेरी ब्याहता मेरा नाम ले लेके रोती है और बात तड़पती है, मेरे पिता ने उसका गोना नहीं लिया, इसलिए तुम मेरा गोना करवा दो और पिंगुल को चल सकते हो मेरे साथ। भैया मैं न जाऊंगा क्यों, सौ कोरी बांस तो मेरी कमर पे रोज तो देते। हाथ जोड़ रहा भैया भैया पड़ रहा, भैया कोनो मेरो दैया करवाए मेरी तड़पे ब्याहता बाद सपिंगुल में, ले ले रोबती होएगी नाम मोए को सेगी बा देस पिंगुल में, भैया मेरे जीवन कूरे धिक्कार कौनो कराए दे मेरो देस पिंगुल से, मेरे भैया तेरे गुन भूलू में माए, अरे जा सुन नर बर में। बोलो जे कहने को रंग सही साबती जाने को मेरो नाए बन। तेरा कहने का मतलब यह है कि सही साबती तू नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, चुपचाप चोरा चोरी जा सकता है। बिल्कुल ये कहने को रंग चोरा चोरी जाने को भैया मेरो नाए बन। तो भैया मैं नहीं जाऊंगा, ये पूछ क्यों नहीं है बन, क्यों ना है? जो हमारी दूसरी घरवाली है, आहा, मेरे पिता ने शादी कर रखी है, मैं जब शाम को घर जाता हूं तो पता है क्या करती है? क्या करती है? पहले दारू अरे प्या के करा मस्त अरे कराती है, ठेटा में ठेटा अरे बांध के सोवे नारे। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं सभी जनता से ये नोट कर रहा हूँ, या ढोला को अलग नाम दें या कमेटी को दो, एक ही बार रुपया बोले जाएंगे और एक ही बार छाप लगी, बीच में कोई भी किसी आदमी छाप नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है भाई। और भैया बता, भैया मुंह के नीचे उंगली दबाए के रेबा अरे सोवाती है, चोरा चोरी मेरो अरे नाई करहा। भैया मैं तो उपाय बता दूंगा यार, बोल ते जब दारू पियावे तो तब पीना मत और कुर्ता के दामन में होकर निकाल दे। अच्छा जो मुंह से लगाते हैं तो इस कुर्ते के दामन में होकर नीचे को निकाल दू, पियो नहीं, पियो मत, और फेंटा से फेंटा बांध के सोती है, देख जे तेगा तेरे हाथ में। अच्छा जा बीच में धर के सोइए, जा से तेगा से काट दइए, काट दइए और मुंह में वो उंगली दे के सोते। भाव को बताओ, देख बड़ई के पास जाइए, उंगली की बात की एक क्लिया बनवाए के लइए। अच्छा और बा क्लिया को होले होले सरकइए और उंगली को निकालिए, एकदम मत घुसे दइए। क्या उंगली अब का क्लिया? अरे तो पहले उंगली बोल के एकदम मत घुसे दइए। हाँ और ना जग जाएगी। ये कहने को रंग रात के 12 बजे तुम आके बजनी बजाओगे, जग तब चलोगे। बिल्कुल तो मेरा तुम्हारा फायदा रहा, सोए मन जाइए। और सोने की बात कर रहे हो, अरे चल चल जइयो, चल चल जइयो, जाने चली जइयो, गोना करूंगा जरूर चाहे जाने चली जइयो,
गौना करूंगा मानूंगा नहीं। और तुम्हारे गौना करने के लिए तो जाओगे? बिल्कुल धारा मन मिलेगा। वो कौन है? वो तुम्हारे साड़ू है। अच्छा, उससे टकरान भी हो सकती है मेरी? बिल्कुल। एक गाली दो गाली देगा तब भी कुछ न कहूंगा, एक गाली दो गाली देगा तब भी कुछ न कहूंगा, जो गाली मुझे तीसरी देगा साले को मार धरूंगा साले के। सो मत जाना, धोखा मत देना, रात के 12 बजे आऊंगा। देख जब से मैंने चिट्ठी पढ़ी है, उठत अरे बैठत सोवत मोए मारू अरी दिखाती है, प्याता मेरी तड़पे बापुल किनार दर में। भैया तू तो जा और मैं रात के 12 बजे अपनी जंग बजाऊंगा। तुमने बहुत लगी बात कही है मुझसे। कौन सी? के सो मत जाना। आ, सो मत जाइए यार। क्यों सो जाऊंगा? जो सदा रहते हैं गर्दिश में, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। जो सदा रहते हैं गर्दिश में, सोने के खड़ुए क्या जानी, और क्या होती है पतवीरता रंडी के भड़ुए क्या जाने। जिनने फोकट का खाया है, जो हमारी घरवाली है मारू, वो कितनी दुखी है, उसकी उम्र आने जाने लायक है और वो अपने भेके में बैठी है। बिल्कुल। जो जिनने फोकट का खाया है वो नेक कमाई क्या जाने, जिसके ना खिली बिवाई हो वो पीर पराई क्या जाने। रात के 12 बजे हमारा तुम्हारा वादा रहा। ठीक है भैया, तुम जाओ, हम रात के 12 बजे जरूर आऊंगा। ऐसा मत करना, मैं इंतजार करता रहूं। आओ नहीं। नहीं यार, बिल्कुल आऊंगा। सुन कर हकी बात रे ढोला, ढिंग मिस्त्री के तारे, उंगली की भात की एक किलिया छुलवाए लायो रे पेड़े। अरे देख रही है बेटी बुद्ध माल अरी राजा की, अब ही नाई आए अरे बलम भार। मेरे प्यारे श्रोताओं, जो दूसरी घरवाली थी रेबा, शादी हो गई थी, वो भी बहुत सुंदर थी। कितनी सुंदर थी, लंबे केस उमर जकी बारी, अरे लंबे केस उमर जकी बारी, चोली के बंद चढ़ा चढ़ टूटी, ज्वानी के मद रेवा छाए रही, देख के सूरत पिया प्यारे की, छे छे लपेटा खटिया पे खाए रही। अरे पिया को भैया रे सुमें सी गंगा शाम लौटी घर नहीं आए पिया को,